हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रभात आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। अपना गार्डन तो यूं ही अभी अस्त व्यस्त है, पतझड़ का मौसम भी है तो पत्ते नहीं हैं। इसकी मैं प्रूनिंग करने वाला हूं क्योंकि अब इसमें फूल नहीं आएंगे, कहीं भी कली आपको नज़र नहीं आ रही होगी। यूँ तो पहले ही कर देना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। छोटे छोटे एक एक फूल का थोड़ा सा लोभ हो जाता है तो हमने किया नहीं। बाकी जो गुड़हल हैं, अड़हुल हैं, उनकी प्रूनिंग मैंने पहले ही कर दी थी। कुछ हैं जो कि बचे हुए हैं जिनको मैं अभी प्रून करूंगा। ये सभी पौधे मेरे नए वाले गार्डन में शिफ्ट होने वाले हैं, करूंगा। वक्त है अभी, जब तक वक्त है तब तक सब चीज़ यहीं पे होगी। ये है अभी प्रूनिंग करने को बाकी। फिर अपना अमरूद है तो प्रूनिंग करना कोई ख़ास बात है नहीं। मैं तो सार प्रून कर देता हूँ, नीचे से ही कट कर देता हूँ, फिर नई पत्तियाँ निकलती हैं। तो चलिए, इसमें ज़्यादा शार्प नहीं करूँगा, थोड़ा बढ़ाकर ही करूँगा, फर्स्ट टाइम है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसकी प्रूनिंग मैं करता हूँ। देखिए, अभी जो है ये मेरा गुलाबी गुड़हल है और इसकी जो तनाएँ हैं तो मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। इसमें से एक की कटिंग हो चुकी है, उधर आप देख सकते हैं। मेरे भाई को चाहिए था इसकी कटिंग तो मैंने इसे प्रून किया था। फिलहाल अभी इन सबों को करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस उसी हाइट से इसकी भी प्रूनिंग कर दूंगा। सबसे इजी है अगर आप पेड़ को लंबा रखना चाहते हैं। ये जो डंठल हमारा 5-6 है, इस 5-6 में आप कोई 2 या 3 को रखना चाहते हैं तो उस तरह से बाकी को कट कर दें और बाकी आपका ऊपर बढ़ेगा। तो ज़मीन पर का अलग फंडा है, गार्डन का अलग फंडा है। ज़मीन पर लोग पेड़ नुमा रखते हैं और हमारा भी नीचे एक पुराना पेड़ है जो कि पेड़ नुमा है, बहुत पुराना है। इसकी शाखाएं इतनी मोटी मोटी दोनों हाथ से पकड़ने पर भी नहीं पकड़ाती है। तो उसकी अलग बात है, उसकी प्रूनिंग अलग ढंग से होती है। उसमें साइड ब्रांचेस प्रून होते हैं ज़्यादा और टिप थोड़ा करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो साइड ब्रांच जितने हैं उसकी प्रूनिंग की जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि मेन स्टेम को ही आपको प्रून करना होता है ताकि नया जो निकले उससे आपका नया नया कली और पौधा दोनों में मतलब विकास होता रहता है। तो आइए मैं इसी आसान टिप्स को करता हूँ। फिलहाल मेरे पास फाल्कन मेजर का ये है। बहुत सारे सवाल भी आते हैं, ब्लेड कितना चलता है, शार्प करना पड़ेगा। अभी तक कुछ नहीं करना पड़ा है, जो भी दाग देख रहे हैं वो मैं काटने के बाद साफ़ नहीं करता था, यूं ही रख देता था, इसकी वजह से है। कटिंग अभी भी मस्त है इसकी, बहुत आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अभी ये देखिए, एक बार में कट हो गया, इतना मोटा है, देख रहे हैं, 1 इंच की लगभग होगी ये। ये देखिए, पल भर में ही आपकी प्रूनिंग हो गई। अब ये ब्रांच है, इसको यहीं से कटूंगा। ये साइड ब्रांच जो अलग निकली हुई है उसकी भी प्रूनिंग करूंगा ताकि नए नए डेवलपमेंट्स हो सके। तो प्रकृति में विनाश होता है नए सृजन के लिए, ठीक उसी प्रकार जो पेड़ पौधे की कटाई छटाई होती है उसके नए सृजन के लिए। तो बहुत लोगों को माया लगता है कैसे पौधों को इस तरह से कट कर दें, मुझे भी लगता है, इसलिए अभी तक ये पड़ा हुआ था, ये काम पेंडिंग में मैं कर नहीं रहा था। फिलहाल करना पड़ता है दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि इसकी विकास अवरुद्ध हो जाएंगी अगर हम कुछ कठोर कदम नहीं उठाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे जो अपने संतान होते हैं, ये भी हमारे संतान के जैसे ही हैं। ये पेड़ पौधे भी जो अपना एक हमारा बच्चा नहीं दे पाता है उससे कई गुना ज़्यादा ये देता है। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं और आपके एक बच्चे भी हैं तो पेड़ आपने लगाया जिस दिन, उस दिन भी वो एक दिन का बच्चा है और जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ एक, वो भी एक दिन का बच्चा है। अंतर क्या है कि आप उस एक दिन के बच्चे को 18 साल 20 साल तक पालते हैं, पोसते हैं जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है।
और तब तक वो आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं देता है, देता है अलग वो चीज़ें होती है, लेकिन इन रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ तो जो कि हमारे लिए और हमारे सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए बात हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिलहाल क्या है कि लेकिन जब से आप ये पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाते के साथ ही जैसे ही वो अपना जीवन सस्टेन कर लेता है, मतलब लग जाता है, वैसे ही उसकी पत्तियां हमें ऑक्सीजन देना शुरू कर देती हैं। जब वो पेड़ थोड़ा मैच्योर होता है तो फल भी देना शुरू कर देता है। फल के साथ साथ अब आप देखेंगे कि वो लकड़ियां भी देता है। कुछ लकड़ियां सूखती हैं तो इसे जलावन के रूप में यूज़ करते हैं, और बाकी आप तो जानते ही हैं जब वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है, फिर सूख जाता है, तो फिर उससे भी लकड़ियां प्राप्त होती है, जिससे घर की खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर्स और ये सभी चीज़ें, जलावन आदि बनाए जाते हैं। तो एक पेड़ शुरू से अंत तक हमें बहुत कुछ देता है। बहुत कुछ क्या देता है? इतना देता है जिससे कि हमारा जीवन सस्टेन कर सके इस पृथ्वी पर। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि पेड़ नहीं तो हम नहीं, इसलिए वृक्षारोपण करें, बहुत सारा पेड़ लगाएं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल कोई मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बोल ज़्यादा रहा हूँ हाँ, क्योंकि बोलने से भी बहुत काम होता है। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते बोलना मेरा एक हैबिट भी है और कर्तव्य भी है, ताकि मैं बोलकर भी जागृति पैदा करूँ लोगों में। अभी इसको भी प्रून करना है तो एक ही चीज़ है, जस्ट इस हाइट पे मैं इसे कट करूँगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो करने से अच्छा नहीं है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।